नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 29 इंडिया में। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। शुक्रवार को राजधानी भोपाल के प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता और मीडिया समन्वयक नरेंद्र सलूजा ने संयुक्त पत्रकार वार्ता कर भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला है। संयुक्त पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि देश में सभी जानते हैं कि किसी भी तरह के कार्य को करने के लिए देश में जो रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाई गई है उनसे लाइसेंस लेकर या अनुमति लेकर ही कोई काम कानूनन किया जा सकता है। मध्य प्रदेश में एक बीमा कंपनी मध्य प्रदेश सरकार के एक अधिकारी ने बना ली है। आज तक यह ज्ञात नहीं है कि बीमा कंपनी बनाने के लिए जो IRDA की अनुमतियां लगती है या लाइसेंस मिलता है वह इस कंपनी को चलाने के लिए दिया गया है या नहीं दिया गया है। मीडिया समन्वयक नरेंद्र सलूजा ने कहा कि भोपाल में दो प्रमुख बिल्डर राघवेंद्र सिंह तोमर और पीयूष गुप्ता पर बड़े आयकर छापों के बाद जिस प्रकार से करोड़ों की बेनामी संपत्ति और करोड़ों की काली कमाई की बातें सामने आ रही है उससे यह साफ रूप से स्पष्ट हो रहा है कि प्रदेश के मंत्रियों और बड़े अफसरों की भ्रष्टाचार की काली कमाई कहीं ना कहीं इनके यहाँ पर निवेश की गई थी। सभी जानते हैं कि मंत्री अरविंद भदौरिया के फेथ बिल्डर के मालिक राघवेंद्र सिंह तोमर से क्या संबंध है। उन्होंने कहा कि यह वही राघवेंद्र सिंह तोमर है जिनका नाम व्यापम घोटाले के PPG मामले में सामने आया था। वर्तमान के आयकर छापे कहीं न कहीं उस काली कमाई की पुष्टि भी कर रहे हैं। कांग्रेस सरकार के तख्ता पलट में राघवेंद्र तोमर की भूमिका और काली कमाई की ओर इशारा भी कर रहे हैं। कांग्रेस भाजपा से सवाल पूछती है कि क्या कारण है इतने बड़े आयकर छापों के बाद भाजपा और उसके जिम्मेदार तमाम नेता मौन धारण किए हुए हैं, कुछ बोलने को तैयार नहीं है। मंत्री अरविंद भदौरिया कह रहे हैं कि मैं सिर्फ राघवेंद्र तोमर को पहचानता हूं, मेरा उनसे कोई रिश्ता नहीं है, जबकि उनके निकट संबंध और रिश्ते के कई प्रमाण मौजूद है और वह किसी से छुपे नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 29 इंडिया। पिछले 15 साल का जो मध्य प्रदेश सरकार का इतिहास रहा है, ये सरकारी धन और सरकारी योजनाओं का पैसा साइफन करके चुनाव में दुरुपयोग करने की नई नई जो योजनाएं बनाते हैं उन योजनाओं से भरा रहा है। 2018 के चुनाव में हमने इस बात को खुलासा किया था कि किस तरह से जन अधिकार परिषद का दुरुपयोग इस तरह के कामों में किया गया। आज मैं आपके सामने एक नया और बड़ा खुलासा करना चाहता हूं। प्रदेश के अंदर आजीविका मिशन नाम का एक संगठन काम करता है जिसे केंद्र सरकार से पैसे मिलते हैं और इस आजीविका मिशन का काम है कि प्रदेश के अंदर जो गरीब लोग हैं, जो वंचित लोग हैं, जो रिसोर्सलेस लोग हैं, उनको जो है ऐसी सुविधाएं और योजनाओं का लाभ दिलाया जाए कि वो अपने पांव पर खड़े हो सकें। इस संगठन के प्रमुख बहुत लंबे समय तक एक फॉरेस्ट ऑफिसर LM बेलवाल रहे और बेलवाल जी इतने इस पद पर रहते हुए मदमस्त हो गए क्योंकि सत्ता का दुरुपयोग करने में उन्हें जो आशीर्वाद प्राप्त था पिछली सरकार का, उन्हें लगा कि ये आशीर्वाद उनके ऊपर निरंतर बना हुआ और वो सत्ता का किसी भी तरह का दुरुपयोग कर सकते हैं। आयकर छापे राजनीतिक कैसे हो गए? इसलिए हो गए कि इन आयकर छापों में जो बेनामी संपत्ति करोड़ों की बात सामने आ रही है, जो काली कमाई की बात सामने आ रही है, जो मंत्रियों और अधिकारियों के निवेश की और संलिप्तता की बात सामने आ रही है, तो यह पूरी तरह से भ्रष्टाचार का मामला बनता है, सत्तारूढ़ दल के भ्रष्टाचार का मामला बनता है, काली कमाई का मामला बनता है। इसलिए यह महत्वपूर्ण मामला है और मैं तो भाजपा से सवाल कर रहा हूँ, प्रदेश में इतने बड़े आयकर छापे पड़े, दो प्रमुख बिल्डर के वहाँ फेथ बिल्डर के मालिक राघवेंद्र तोमर और दूसरे पीयूष गुप्ता चूड़ी वाले, इतने बड़े आयकर छापों के बाद भी भाजपा के तमाम जिम्मेदार नेता मौन हैं, छोटी छोटी सी बात पर ट्वीट करने वाले, बयान करने वाले सारे नेता गायब हैं। क्या कारण है कि सारे नेता मौन हैं? मंत्री अरविंद भदौरिया के रिश्ते बिल्डर राघवेंद्र तोमर से छुपे हुए नहीं हैं, उसके बाद भी भाजपा मौन है। यह वही राघवेंद्र तोमर है जो
जिनका नाम व्यापम घोटाले के प्री पीजी घोटाले में सामने आया था, बाद में इन्हें सरकारी गवाह बना लिया गया। यह वही राघवेंद्र तोमर है जो शिवराज जी की गाड़ी चलाते हैं, जिसकी तस्वीर हमने जारी भी करी थी। यह वही राघवेंद्र तोमर है, मंत्री अरविंद भदौरिया, जिनके नाम पे पंजीकृत गाड़ियों में खुलेआम महंगी महंगी गाड़ियों में घूमते हैं, इसके प्रमाण भी हम जारी कर रहे हैं। यह वही राघवेंद्र तोमर है जिनके बारे में कुछ दिनों पूर्व मंत्री अरविंद भदौरिया ने अपने स्वागत समारोह में बड़ी बड़ी बात कहते हुए कहा था कि मेरे छोटे भाई को कांग्रेस सरकार ने प्रताड़ित किया, 6-6 घंटे बंधक बनाया और मैं मेरे छोटे भाई के साथ हूँ और तमाम आरोप लगाए थे। ये वही छोटे भाई हैं, ये वही राघवेंद्र तोमर है जिनकी क्रिकेट एकेडमी में मंत्री जी साइकिल चलाते हुए घूमे जब पाए जाते हैं। यह वही राघवेंद्र तोमर है जिनकी क्रिकेट एकेडमी में मंत्री क्वारंटाइन होते हैं। तो इतने रिश्ते सामने आए। उसके बाद अरविंद भदौरिया ने एक हास्यास्पद जवाब दिया कि मैं सिर्फ उन्हें जानता हूँ, मेरे उनके कोई रिश्ते नहीं है। अरे रिश्ते नहीं है, उपकृत नहीं है तो क्या कारण है कि बिल्डर आपको महंगी महंगी गाड़ियों में घुमाता है, बिल्डर आपको अपनी एकेडमी में रुकवाता है, बिल्डर आपके ऊपर लाखों खर्च करता है और बिल्डर अपनी फेसबुक पेज पे आपका रोज महिमा मंडन करता है, आपके चार्टर्ड प्लेन के जो विधायकों को बंधक बनाया था उसके फोटो जारी करता है और आप उसकी एकेडमी में साइकिल चलाते हैं, परिवार के साथ जाते हैं, पारिवारिक फोटो हैं कहीं, और उसके बाद आप कह रहे हैं आपका कोई रिश्ता नहीं है। कांग्रेस बड़ा आरोप लगा रही है, कांग्रेस सरकार का जो तख्ता पलट हुआ था उस तख्ता पलट में भी हमारे पास इस बात की जानकारी सामने आई थी कि बिल्डर राघवेंद्र तोमर की काली कमाई की भूमिका उस खरीद फरोख्त में, और हमारे पास ये बातें उस समय विधायकों ने आके बताई थी। तो हम तो सरकार से मांग करते हैं कि आप तत्काल मंत्री अरविंद भदौरिया को मंत्रिमंडल से बाहर करें। तो आप देखते रहिए न्यूज़ 29 इंडिया, एक देश सारे प्रदेश।